हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इरेशनल नंबर का, कि इरेशनल नंबर क्या होता है, कैसे हमें इनको पहचानना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इरेशनल नंबर या रेशनल नंबर आपके सामने आएंगे तो उसको पहचानने की ट्रिक आपको क्या पास क्या होगी। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इरेशनल नंबर से पहले हमें समझना होगा कि इरेशनल में एक नंबर छिपा हुआ है, यहाँ पर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? सो रेशनल नंबर होता है, पहले मैं आपको बस समझा देता हूँ रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सके। पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सके, इसका मतलब क्या है, जिसको हम अपॉन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 2/3 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। अब जस्ट अपोजिट के हम सीखेंगे इरेशनल नंबर, बिल्कुल एग्जांपल के साथ समझाऊंगा आपको इरेशनल नंबर, जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जिसको हम अपॉन के फॉर्म में ना लिख सकें, वो होते हैं इरेशनल नंबर। सो स्टूडेंट्स, ऐसे नंबर कौन से होते हैं जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? सो मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से। फर्स्ट एग्जाम्पल है ऐसे नंबर्स, जैसे मैं आपको एक नंबर ले लेता हूँ, जैसे 0.234... ऐसे नंबर, डेसिमल वाले ऐसे नंबर जो एंडलेस होते हैं, जो क्या डिवाइड होने के बाद टर्मिनेट नहीं होते। एक नंबर होता है जैसे 0.25, ये एक डेसिमल वाला नंबर है जो एंड तक नहीं जा रहा है, 0.25 इसके बाद रुक गया है, तो ये आपका एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि आपको पता है डेसिमल हटा के आप नीचे क्या लगा सकते हैं, 00 जाएंगे डेसिमल के बाद, तो एक रेशनल नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे डेसिमल के बाद ये नंबर रुक चुका है। लेकिन ऐसे नंबर जो डेसिमल के बाद रुकते नहीं, ये एंडलेस तक जाते हैं, जिनका डिवाइड हम करते हैं एंड तक जाते हैं, तो ये होता है एक इरेशनल नंबर, क्योंकि इसको आप अपॉन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब हमें ये पता ही नहीं कि नंबर एंडलेस कहाँ तक जा रहा है, तो आप नहीं लिख सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एक पाई, पाई हमेशा इरेशनल नंबर होता है। जो पाई आपने पढ़ रखा होगा 10th क्लास में 9th क्लास में आता है, जो छोटी क्लास के बच्चे हैं उन्होंने पाई के बारे में सुन रखा होगा, तो वो हमेशा क्या रहेगा, एक इरेशनल नंबर रहेगा। थर्ड की बात करेंगे हम, थर्ड एग्जांपल। अब एग्जांपल में मैंने आपको एक चीज़ बताई दी है कि डेसिमल के बाद जो एंडलेस हो रहे हैं वही नंबर क्या होंगे आपके यहाँ पे इरेशनल। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि 0.333 एक जैसे नंबर, सेम टू सेम नंबर अगर रिपीट हो रहा है और एंडलेस तक जा रहा है, तो वो इरेशनल नंबर नहीं है, वो क्या है, एक रेशनल नंबर। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। रीज़न क्या है, 0.33 को हम लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, और बार वाला हमेशा रेशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि ये आपका रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी 9th के स्टूडेंट हैं उन्हें पता है, जो छोटी क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ याद कर लें कि जो भी नंबर सेम टू सेम होते हैं और एंडलेस जाते हैं, जो एंड तक इन्फाइनाइट तक जाते हैं, वो हमेशा रेशनल होते हैं, या जो जिन नंबर के ऊपर बार होता है वो भी रेशनल होते हैं। सिर्फ बचा क्या है, ऐसे नंबर्स जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, जैसे 2, 3, 4 सारे अलग अलग नंबर और एंड तक जा रहे हैं, इन्फाइनाइट तक जा रहे हैं, तो ये आपको क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। जितने भी डाउट आपके हो सकते थे मैंने ओवरऑल यहाँ पर आपको कवर कर दिए हैं। तो दो तरह के नंबर आपको हमेशा ध्यान रखना है, एक पाई और एक ऐसे ऐसे नंबर जो क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं।